ये विलेज हाउस है जो कि 75 ईयर्स ओल्ड पुराना है और डेट भी वही लिखा है। देखिए, मैं आज आपको विलेज हाउस दिखाने वाली हूँ जो कि मेरे ग्रैंडफादर का है। 70 ईयर्स ओल्ड पुराना घर है। आप सबको मैं दिखाना चाहती हूँ कि विलेज हाउस किस तरह होते हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे इस वीडियो में, प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको विलेज हाउस देखना है तो मेरा पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप विलेज हाउस को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और अभी 9:15 बज चुके हैं, मैं अपना व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट क्यों ना कर लूँ। मिलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में। अभी भी मेरी रूम क्लीन करना बाकी है। मैंने अपने फेस वॉश करके डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। 9:15 बज चुके हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में मिलती हूँ आपसे। अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ, अभी 1 बज चुके हैं और मैं अभी मेरे बैग पैकिंग कर रही हूँ और 2 बजे तक निकल जाऊँगी यहाँ से। और अब यहाँ से मैं मालवली जाऊँगी, मालवली से फिर नानी के घर जाऊँगी। नानी के घर की वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड करूँगी। मैं मेरी बैग इतनी ही लेके जाऊँगी। कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पर लंच नहीं बना रही हूँ। अम्मी ने कह दिया था कि लंच वहीं पर आकर कर लें, इसलिए मैं लंच प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। और मैं अपने बैग पैक कर चुकी हूँ, मैं ये पर्स लेके जा रही हूँ। मैं यहाँ से अम्मी के घर मलवली जाऊँगी एंड नेक्स्ट वहाँ से नानी के घर जाऊँगी मैं वहाँ पर। और नानी का घर कोलेगाल जाकर वहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वो विलेज है। और आपको विलेज के घर कैसे होते हैं वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। इंशाल्लाह आप मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। और जल्दी रेडी होने के लिए चलती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, सिंपल सा मेकअप किया है। ये देखिए कैसा लग रहा है। वैसे घर पर कोई नहीं है, इसलिए मेरे हस्बैंड घर लॉक कर रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ घर पर नहीं है और अब हम जाने लगे हैं। हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सलाम वालेकुम, हैरत है सब। वैसे हम पेट्रोल बंक में हैं, अब कार के लिए डीजल डलवा रहे हैं। अभी 2:30 बज रहे हैं और अब हम घर से निकल चुके हैं। मैंने तो लंच नहीं बनाया था, अम्मी के घर जाकर खा लेंगे। देखिए मेरे हस्बैंड वहां पर हैं और वो कुछ ले रहे हैं। मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और ये कुछ लाने के लिए गए हैं। वैसे मुझे भूख कंट्रोल नहीं होती, मुझसे बहुत ज्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। और ये देखिए कार में सॉन्ग्स चल रहे हैं और मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम मलवली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए इधर सारे दुकानें हैं, सारे वेजिटेबल्स इधर ही मिलते हैं। और इधर फ्राइडे का बाज़ार भी ओपन होता है, वो बाज़ार में हर एक चीज़ वेजिटेबल सब कुछ मिलता है। अब हम घर पहुंच गए हैं, अब हम कार से उतरने लगे हैं। देखिए
इधर कार साइड में पार्क करके अंदर घर जाना पड़ता है। इधर बहुत सारे छोटी गलियां हैं। यहाँ की गलियां आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने वीडियो शूट किया है। देख लीजिए कितनी छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ की। और ये देखिए घर आ गया है। अब यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जल्दी से लंच कर रहे हैं क्योंकि अब हमें जाना है कोलेगाल, इसलिए जल्दी से लंच कर रहे हैं। लंच के बाद कोलेगाल नानी के घर जा रहे हैं। अब वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ 75 ईयर्स ओल्ड हाउस। अब हम नानी के घर जाने के लिए घर से निकल चुके हैं। हम नानी के घर जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, अम्मी और मेरे खालू, हम चारों लोग जा रहे हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर पानी कितना अच्छा लग रहा है रास्ते में, और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम जल्दी से नानी के घर जा रहे हैं। ये देखिए हम नाना नानी के घर पहुंच चुके हैं। और ये घर बाहर से देखिए यहाँ पर ईयर दिख रहा है 1948, और ये 75 ईयर्स ओल्ड हाउस है। और ऊपर नाना के भाई रहते हैं और यहाँ पर नाना रहते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस डोर है और अंदर जाने पर इस तरह से दिखता है। देखिए बहुत ओल्ड हाउस है। मैं आप सबको विलेज हाउस दिखाना चाहती थी। देखिए यहाँ पर एक डोर है जो घर के अंदर से होता है। ये मेरी कज़िन है जो कि ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देने वाली है। अब मेरा नाम सुफिया है और ये मेरी छोटी सी बिल्ली है, और अब मैं आपको हमारा विलेज होम टूर दूंगी। चलिए चलते पहले हैं। यहाँ पर बाहर हमारा छोटा सा यार्ड है और एक मिनट हाँ देख लीजिए बहुत पुराना है ये, अराउंड 70 इयर्स पुराना है। तो अंदर आने पर ये हमारा एक दरवाजा है जो कि ये भी कुछ 70 इयर्स ओल्ड है ना ये भी। हाँ तो चलिए अंदर। पहले मैं आपको हमारा देखिए कितना राउंड है ना, यहाँ पर कितना बड़ा है। हाँ बोलिए सूफी। चलिए अब मैं आपको हमारा पुराना बाथरूम को हमने रेनोवेशन करके एक नया बाथरूम बना दिया है। ये देखिए ये बाथरूम है घर का। ये हमारा छोटा सा डिलक्स बाथरूम है जिसमें हमने रेनोवेट किया है। एंड नेक्स्ट अंदर आने पर हमने किचन तोड़कर एक नवा डिलक्स किचन बनाया है। किचन दिखाते हैं। ये हमारा छोटा सा डाइनिंग एरिया है, छोटा सा फ्रिज है, डाइनिंग टेबल। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारे मामी हैं। मामी किचन में है, मामी डिनर प्रिपेयर कर रही है। मामी सलाम अलैकुम। अच्छा तो अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या बना रही मामी? सेविया। अच्छा अब नेक्स्ट बीबी सुफिया। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। यहाँ के कैट्स देखिए। नेक्स्ट यहाँ का कुआ। हमारा एक कुआ है जो ये भी कुछ 70 इयर्स पुराना होगा। और यहाँ पर जो रस्सी दिख रही है उसमें से पानी निकाला जाता है। बीबी सूफी यहाँ से पानी निकाल रही है। वैसे यहाँ पर पानी आना बंद हो गया था लेकिन अभी बहुत ज्यादा पानी आ चुका है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर अब बहुत ज्यादा पानी आ चुका है। पानी बंद, पानी ना आने की वजह से ये सब रखवा दिया था पहले। शाम का टाइम है नहीं तो मैं आपको पानी ज़रूर दिखाती। यहाँ पर एलोवेरा देखिए कितने अच्छी तरीके से आ गए हैं। बीबी सूफी पानी निकाला यहाँ से? नहीं
यहाँ पर थोड़ा अटक गया है रस्सी। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा एक देसी जुगाड़ है जहाँ पर हम एक कच्चा कपड़ा ऐसे अराउंड लपट कर ना ठंडा पानी का आनंद उठाते हैं। फ्रिज है लेकिन देसी पानी का कुछ अलग ही टेस्ट होता है। अच्छा नेक्स्ट ये देखिए, ये डोर भी किचन को ही जॉइन है। यहाँ पर ओपन करने से डाइनिंग हॉल आ जाता है। देखिए डबल डबल डोर है इधर। और ये एक स्टोर रूम है जहाँ की लाइट ऑन नहीं होती है। ये हमारे रेशन है। और सामने आने पर ये हमारी पूरी एक बड़ी हॉल है। मैं वीडियो ले रही हूँ ना, इसलिए मेरे हस्बैंड भाग रहे हैं यहाँ से ताकि उनकी वीडियो ना ले सकूँ। ये हमारा हॉल है एंड देखिए इसका राउंड कितना अच्छा लग रहा है। विलेज हाउसेस इसी तरह होते हैं। वो देखिए मेरे हस्बैंड ना कितनी अच्छी तरीके से छिप रहे हैं। वो देखिए 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 क्या रहे जीजू, इसी तरह से छिपते हैं वीडियोस से। अब नेक्स्ट इनके हाथों ही वीडियोस बनाऊंगी मैं। देखिए यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ के प्लांट्स वो एलोवेरा बहुत अच्छे लग रहे हैं ना सूफी। ये खंभे भी ना एक कितने साल पुराने हैं ये? ये भी अराउंड 80 इयर्स पीछे के हैं। अच्छा जो हमारे परदादा ने बनाया था। तो मैं कैट से डरने लगता सूफी? नहीं ये तो मेरे फेवरेट है। नेक्स्ट तो अब मैं हमारे रूम इसे छोटी हल। और यहाँ पर अंदर जाने से यहाँ एक हॉल मिलता है। और देखिए यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मामी बैठे हैं जो कि मेरे मामा की वाइफ हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरी छोटी खाला बैठी है और नानी और मेरी बड़ी खालू तीनों यहाँ पर बैठे हैं। और नानी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, उनके लिए दुआ करिए ताकि वो सेहतमंद हो जाएं। प्लीज़ आप सब लोग उनके लिए दुआ कीजिए, इसलिए मैं इनकी वीडियो ले रही हूँ कि ताकि आप सब लोगों की दुआएं उनके साथ रह सकें। और ये देखिए मेरे ग्रैंडफादर जो मुझे किडनी दिए थे, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरे ग्रैंडफादर है ये मेरे नाना। इनको वीडियो लेना पसंद नहीं था लेकिन फिर भी मैंने इनको इंसिस्ट किया कि वीडियो लेने के लिए। देखिए और पीछे मेरी अम्मी खड़ी है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रूम की तरफ। ये बेडरूम है, यहाँ पर एक बड़ा सा बेडरूम है। कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ के रूम्स बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बीबी सूफी ये आपका बेडरूम? हाँ तो ये मेरा छोटा सा टेडी बेयर है, इसका नाम है पप्पू। ओके एंड नेक्स्ट एक बेडरूम देख लिया आपने, अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ये देख लीजिए यहाँ के कैसे पुराने चीजें हैं। अराउंड 75 इयर्स हो चुका है ये घर को। अब देखिए सेकेंड रूम की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये सेकेंड बेडरूम है, ये भी उसी तरह से बड़ा बेडरूम है। तो अभी और एक बेडरूम है, ये सेकेंड बेडरूम हाँ। अच्छा ऊपर देखिए ये 70 इयर्स पुराना घर है ये, है ना सूफी? हाँ 70-75 इयर्स। और बाहर अच्छा ये देखिए हमारा ओल्ड कबर्ड है, ओल्ड मिरर। विलेज के हाउसेस इसी तरह से होते हैं। ये छोटा सा सज्जा है जहाँ पर मैं ऐसे लटकती हूँ। यहाँ पर पीछे सिल्क फैक्ट्री भी है। बहुत शाम हो गई है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि सिल्क कैसे बनता है।
फेमस हो जाती। एक छोटी बच्ची को दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। सूफी टेस्ट कैसे हैं? आपके खुद की अम्मी ने ही बनाया है ना। तो ये है मेरी फेवरेट बिल्ली कालू। बाय बाय सूफी। आपको देख के लग रहा है क्या ये 75 इयर्स ओल्ड हाउस है? देखिए कितनी अच्छी तरह से है घर ये। सूफी 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 बाय बाय बाय, फिर वापस आना इंशाल्लाह। बाय। अब करीबन 9:30 बज चुके हैं, अब हम फिर से मलवली जाने लगे हैं। देखिए सबको बाय बोल रहे हैं, सब हमें बाहर तक छोड़ने आए हैं और अब हम चलते हैं हमारे घर मलवली। हम मलवली पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम सब घर पहुंच गए हैं। मैं अपना व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।